दोस्तों ऑन रोल जॉब के लिए बहुत सारी वैकेंसी हमारे पास आई है, तो ये वीडियो लंबी होने वाली है लेकिन अंत तक जरूर देखना, तभी आपको समझने आने वाला है कि कौन सी वैकेंसी कौन से लोकेशन के लिए आई है। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार आए तो मेक श्योर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की न्यू अपडेट। बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी निकल के आई है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन लगने वाला है, फीमेल रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश स्किल और एक्सेल का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। सैलरी आपको 20,000 से 25,000 तक मिलेगी और एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ड्यूटी जनरलशिप रहने वाली है और लोकेशन की बात करें तो सेक्टर 5 IMT मानेसर गुड़गांव है जो कि हरियाणा में आता है। सेल्स के लिए जॉब वैकेंसी निकल के आई है, सिर्फ मैरिड फीमेल की यहाँ रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश स्किल, एक्सेल और MIS का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। आपको सैलरी 25,000 से 30,000 के बीच में मिलने वाला है। 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो भिवड़ी है जो कि राजस्थान में आता है। CNC प्रोग्रामर इंजीनियर की वैकेंसी निकल के आई है, 5 कैंडिडेट यहाँ लगने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो ITI लगने वाला है और सैलरी आपको 30,000 से 45,000 तक मिलने वाला है, लेकिन आपका सैलरी आपके इंटरव्यू पर डिपेंड रहने वाला है। एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का होना चाहिए। लोकेशन की बात करें तो ये लोकेशन भिवड़ी है जो कि राजस्थान में आता है और IMT मानेसर गुड़गांव है जो कि हरियाणा में आता है। डिजिटल मार्केटिंग के लिए टोटल 4 वैकेंसी निकल के आई है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी की बात करें तो 30,000 से 45,000 के बीच में आपको यहाँ सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी आपके इंटरव्यू पर डिपेंड रहेगी और लोकेशन वही है गुड़गांव जो कि हरियाणा में आता है। और मार्केटिंग के लिए 2 मेल और फीमेल लगने वाले हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो MBA कंप्लीट होना चाहिए और एक्सपीरियंस 2 से 5 साल का लगने वाला है। सैलरी की बात करें तो 30,000 से 40,000 के बीच में आपको यहाँ सैलरी मिलेगी और लोकेशन वही गुड़गावी है। डिज़ाइनर की वैकेंसी यहाँ निकल के आई है, 2 कैंडिडेट यहाँ लगने वाला है और एक्सपीरियंस की बात करें तो 2 साल से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीट मेटल सॉलिड वर्क में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 पास ITI सीट मेटल आपके पास होना चाहिए और सैलरी की बात करें तो 20,000 से 30,000 के बीच में आपको यह सैलरी मिलने वाली है। मिग वेल्डर की वैकेंसी निकल के आई है जो कि 5 कैंडिडेट यहाँ लगने वाले और एक्सपीरियंस आपके पास कम से कम 3 साल का रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन ITI वेल्डर कंप्लीट होना चाहिए। सैलरी आपको 13,000 से 15,000 के बीच में मिलने वाला है और लोकेशन मानेसर सेक्टर 6 है, गुड़गांव में आता है जो कि हरियाणा में है। और प्रेस मशीन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकल के आई है जो कि 5 कैंडिडेट यहाँ लगने वाले। क्वालिफिकेशन ITI कंप्लीट होना चाहिए, 2 से 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 13,000 से 15,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी और लोकेशन गुड़गांव है। ITI फिटर और रेफ्रिजरेटर के लिए यह जॉब वैकेंसी निकल के आई है। मिनिमम आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 15,000 से 20,000 के बीच में मिलने वाला है और लोकेशन गुड़गांव है। टेली सेल्स एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी निकल के आई है, सिर्फ 2 कैंडिडेट यहाँ लगने वाले और फीमेल यहाँ अप्लाई करना। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12 पास और ग्रेजुएशन चलने वाला है। सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में आपको मिलने वाला है और लोकेशन सेक्टर 37 गुड़गांव है। तो जल्दी से जल्दी HR को कॉल करके इंटरव्यू डेट बुक कर लो। HR का नंबर है 7303124778। अब बात करते हैं भिवड़ी लोकेशन की। ग्राइंडिंग मशीन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकल के आई है, सैलरी आपको 20,000 से 25,000 तक मिलने वाला है। कन्वेंशनल मशीन ऑपरेटर की वैकेंसी निकल के आई है, एक्सपीरियंस आपके पास 3 से 4 साल का होना चाहिए। आपको 15,000 से 25,000 के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा, लेकिन आपका पेमेंट आपके इंटरव्यू पे डिपेंड रहेगा। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए वैकेंसी निकल के आई है, कम से कम 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए और सैलरी आपको 15,000 से 25,000 के बीच में मिलेगा। ITI फिटर के लिए वैकेंसी निकल के आई है, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी मोल्ड में, डाई में या पॉलिशर में। सैलरी की बात करें तो 20,000 से 30,000 के बीच में आपको यह सैलरी मिलने वाली है। लेट मशीन ऑपरेटर के लिए वैकेंसी निकल के आई है, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी 15,000 से 25,000 के बीच में मिलने वाला है। CNC मशीन VMC मशीन ऑपरेटर के लिए यह वैकेंसी निकल के आई है, 2 से 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सैलरी आपको 15,000 से 25,000 के बीच में मिलने वाला है, लेकिन सैलरी आपके इंटरव्यू पर डिपेंड रहेगा। और डिजाइनर के लिए 2 कैंडिडेट यहाँ लगने वाले हैं। क्वालिफिकेशन डिप्लोमा और BTech कंप्लीट होना चाहिए और आपके पास नॉलेज होना चाहिए प्लास्टिक मोल्ड, शीट मेटल, PDC, HPDC इसमें होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास 2 से 4 साल का होना चाहिए। सैलरी 30,000 से 40,000 के बीच में मिलने वाला है।
CNC VMC प्रोग्रामर के लिए दो कैंडिडेट लगने वाले, एक्सपीरियंस 3 से 4 साल का आपके पास होना चाहिए और सैलरी आपको यहाँ हाई सैलरी मिलने वाले, 40 से 50 हज़ार के बीच में आपको यहाँ सैलरी मिलेगी। और दोस्तों हेल्पर के लिए भी यहाँ जॉब वैकेंसी निकल के आई है, सैलरी 15 हज़ार से 20 हज़ार के बीच में आपको यहाँ मिलने वाली है। लोकेशन भिवड़ी है जो कि राजस्थान में आता है। दोस्तों हमारे पास जितने सारे जॉब वैकेंसी आई थी वो हमने बता दिया है और ये सारे जॉब ऑन रोल रहने वाले, सब कुछ जॉब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको यहाँ चार्जेस देना नहीं है। आपको डायरेक्ट HR को कॉल करना है और आपका इंटरव्यू डेट बुक करना है। HR का नंबर मैंने बता दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही जॉब के रिलेटेड हर एक न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहो। हमारे सारे सोशल मीडिया लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो मिलते एक नई वीडियो में नई वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।